हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताने जा रही हूँ मैं छोले, जिसके लिए मैंने ये आधा किलो के करीब छोले ले लिए हैं। और मैं अब चलती हूँ, मैंने गैस पर अपनी कढ़ाई रख दी है और उसमें फिर बनाती हूँ। अब ये मैंने गैस पर अपनी कढ़ाई रख दी है और अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इसमें मैंने तेल डाल दिया है, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने तेल डाला है। और अब तेल मेरा अच्छे से हो जाए, इसे हो गया है। अब इसमें मैं ये प्याज डाल देती हूँ। अब इसी प्याज में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डालेंगे। और अब ये मैं जीरा ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून। मैं 1 टेबल स्पून में जीरा ले रही हूँ। जीरा मैंने ऐड कर दिया है इसमें। फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब इसमें ही हम हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर डालेंगे। अब मैं 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसी में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। अब हम ले रहे हैं धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून। अब मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून। सब मसालों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हम अच्छे से इसको भुनने देंगे। अब इसी में मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, वो मैंने ऐड कर दिया है। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसी में मैं सॉल्ट और नमक डालूंगी। नमक मैंने छोले जब उबाले थे उसमें भी डाला था, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। क्योंकि मैं कम डालूंगी, क्योंकि मैंने नमक जब छोले उबाले थे उसमें डाला हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही नमक डालूंगी। अब 1/2 टेबल स्पून में नमक ले रही हूँ और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। अब मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा इमली का पानी लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और आप लोग ये डालना चाहें तो डालें, वरना मत डालिए। अब इसी में मैं 1/2 टेबल स्पून में गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और भुनने तक इसको भुनेंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल भुन गया है। अब इसमें मैंने ये छोले जो बॉईल करके रखे हुए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैंने छोले डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर उबाल आने तक इसको पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। छोले हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब हम छोलों के साथ बनाने जा रहे हैं भटूरे। भटूरों के लिए मैंने ये 2 कप मैदा ले ली है, 2 से 2.5 कप है ये मैदा। और इसी में मैं 2 टेबल स्पून में रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। और 1/2 कप सूजी और 1/2 कप दही।
और आधा चम्मच नमक। और इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसको गूंद लेंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं सकसत पूरी का, उसी तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। आटे को मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था गूंद कर, ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दिया था। और अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। अब हमने पेड़े बना लिए हैं, अब इसको हम बेल लेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं और पूरी बेलते हैं, उसी तरीके से हम बेलेंगे इसको। अब मैंने अपने भटूरों को बेल लिया है, और अब मैं अपनी कढ़ाई रख दी है मैंने, और तेल डाल दिया है। अब मेरा तेल हो जाए तो इसमें मैं फिर भटूरा फ्राई करती हूँ, तलती हूँ। तेल देखिए हो गया है, अब इसमें मैं ये भटूरा डाल देती हूँ। देखिए भटूरा हो रहा है। अब एक साइड से हो जाए तो फिर मैं एक साइड से उसको पलट दूंगी। देखिए भटूरा बिल्कुल बनकर तैयार है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से हम सारे भटूरे बना लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम सारे भटूरे अपने बना लेंगे। देखिए दोस्तों, छोले और भटूरे बिल्कुल बनकर तैयार हैं, और एक बार ज़रूर इसको बनाइए और बनाकर सब घर वालों को खिलाइए और खुद भी टेस्ट कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।